गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:35 और मैं इतना लेट ही आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। सेम अभी मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अभी तक मेरे साथ सब ठीक चल रहा था, बस लाइफ में थोड़ी सी उछल पुछल आ गया, मतलब सुनामी टाइप का आ चुका है, तो थोड़ी उथल पुथल हो रही है, तो उसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल प्लेन जा रहा हूँ, सुनामी आ रही है वो मुझे उछालने का कोशिश कर रही है, लेकिन मैं बिल्कुल स्मूथ शांत रहना चाह रहा हूँ, तो बस उसी में थोड़ा फोकस था। इसलिए सुबह से मेरा बिल्कुल मन नहीं करा ब्लॉग बनाने का, लेकिन फाइनली थोड़ा मूड अब ठीक हुआ तो मैंने सोचा वो ब्लॉग स्टार्ट कर देते। तो फिलहाल अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:35 और माल जो सारा पैक हो चुका है। सेकेंड, एक जो मेरा टाइमिंग चेंज हुआ था फ्लिपकार्ट में 4:00 से 6:00 का, उसके बारे में मुझे बात करनी है। मेरे में इशू आ रहा है कुछ, वो आपके में भी आ सकता है, उस बारे में बात करूँगा ऑफिस पहुँच के। फिलहाल अभी मैं घर पे था और एडिटिंग वाला काम ख़त्म हो गया है। और कल गया था मैं अपने बाबा जी के पास, जो मरगढ़ वाले बाबा है, दिल्ली में फेमस हनुमान जी का मंदिर मरगढ़ वाले बाबा, तो मैं वहाँ पे गया था। फिर चांदनी चौक गया था, तो कल मज़ा आ गया वैसे सुबह सुबह, तो वो ब्लॉग ज़रूर देख लें अगर नहीं देखा था। बस वही एडिटिंग चल रही है, अपलोड हो जाएगा, मतलब ये जब ब्लॉग होगा उससे पहले वाला ब्लॉग जो होगा। तो फिलहाल अभी एडिटिंग कम्प्लीट हो गया तो मेरा अपलोडिंग हो जाएगा, ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, लिस्टिंग वाला काम मैं करके आ चुका हूँ ऑफिस से। सेकंड, थर्ड, प्रोडक्ट जो मेरा पैकेजिंग वाला और डिस्पैच वाला काम है वो भी ख़त्म हो चुका है, तो सारा काम ख़त्म हो गया। इसलिए थोड़ा मूड अब ठीक हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया, लेकिन जो लाइफ में परेशानी होती है वो कभी पीछे नहीं छोड़ती, वो तो है ही। अभी अभी देखता हूँ उसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा, कुछ 1 महीना करीब लग जाएगा उसको भी ठीक होने में, तो वो डेली ऐसा बना रहेगा। तो बस अभी फ़िलहाल अपडेट ये है। बाकी मैं अपने टाइमिंग के बारे में बात करूँगा, फ्लिपकार्ट में कैसे मेरी टाइमिंग में इशू आ रही है। मेरी टाइमिंग 12 से 2 थी डिस्पैच की, मैं पिकअप वाला बंदा जो आता है, तो मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। अगर कोई न्यू व्यूअर देख रहा है, कोई नया बंदा है जिसको नहीं पता मैं किस बारे में बात करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ फ्लिपकार्ट अमेजोन मीशो पे। तो फ्लिपकार्ट की जो टाइमिंग होती है डिस्पैच की, आपने डिस्पैच कर दिया तो 12 से 2 की टाइमिंग होती है, या फिर 1 से 3 की होती है, या फिर 4 से 6 की होती है। तो ये 3 टाइम में आपको पैकेट रेडी करके देना ही होता है, चाहे कैसे भी दो अगर आपने डिस्पैच कर दिया है। तो पहले मेरी 12 से 2 थी, फिर अचानक अपने आप 4 से 6 अपडेट हो गया, तो 4 बजे 6 बजे पिकअप वाला आता है, तो मेरा में इशू आ रहा है। अब वो क्या इशू आ रहा है मैं डिटेल में बताऊँगा, वहाँ पर समझाऊँगा अच्छे से कि ऐसा इशू आपके साथ ना आए। और मेरे साथ तो हो ही रहा है, 3 दिन हो गए मेरे साथ ये होते, मैं चेक कर रहा था कि हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, तो आज मुझे जाके बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। तो इस रीज़न से आ रहा है, अगर ऐसा अगर आप करोगे तो आपके साथ भी आ सकता है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, मैंने सॉल्यूशन पे थोड़ा सोचा, तो अब सॉल्यूशन निकल चुका है मेरा, तो बस वो उस बारे में मैं ऑफिस पहुँच के बताता हूँ। फिलहाल एडिटिंग मैंने जस्ट अभी ख़त्म करा है, तो इसको होने में लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 1/2 घंटा करीब, और 1 बजे 2 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा ऑफिस। तो मैं हूँ फिलहाल अपने ऑफिस में, और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 हो रहा है, और आज का भी टास्क मेरा सारा कंप्लीट हो गया, माल सारा जा चुका है मेरा, और मैंने अब 4 बजे मेरा माल गया है जिसके बारे में बता रहा था, और माल चला गया मेरा सारा, प्लस मेरे लिस्टिंग हो गया, प्लस मेरे एडिटिंग कंप्लीट हो गया, वीडियो अपलोड करा है जस्ट अभी हाँ ये रहा, तो जस्ट मैंने अभी वीडियो अपलोड करा है। सबसे पहले तो मैं डायरी मेंटेन कर लेता हूँ, और पहले डायरी मेंटेन कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। मैं डेली एक्चुअली डायरी मेंटेन करता हूँ, ठीक है, टारगेट दे रखा है अपना कि डेली मुझे ये काम जरूर करना है, तो मैं बस उसी हिसाब से चलता हूँ। तो यहाँ इसमें छोटा सा कैलेंडर टाइप है, तो ये टारगेट टिक कर रखे मैंने, जैसे आज है 23 तारीख, तो 23 तारीख को मैं टिक कर देता हूँ अगर मेरा टारगेट कम्प्लीट हो जाता है तो मुझे ये 100 दिन तक टारगेट लेना है, तो ये तो कम्प्लीट हो गया। सेकेंड में बात कर लेता हूँ मैं अपनी, जो मेरा अभी इशू आ रहा है फिलहाल पिकअप में, तो मेरी जो फ्लिपकार्ट की टाइमिंग है वो 12 से 2 थी, लेकिन 4 से 6 हो चुकी है, और इशू ये आ रहा था मेरे पास पिकअप वाला आता है 12 से 2 बजे, मान लो मेरे ऑर्डर है 20, तो पिकअप वाला आता है तो मुझसे जितने पैकेट रेडी हो जाते मेरे तब तक, उतने पैकेट मान लो 20 ऑर्डर आए तो 15 पैकेट वो लेके चला जाता है, 5 वो छोड़ देता है, क्योंकि जो टाइमिंग होती है 4 से 6 की उनको उस टाइम में ही स्कैन करना होता है, तो दोबारा आना पड़ता है, इसलिए वो 15 पैकेट पहले ले जाता है, 5 पैकेट छोड़ देता है, फिर शाम को आके 5 पैकेट वो स्कैन करता है। अब इशू मेरा ये आ रहा है, मेरे टोटल हैं 20 ऑर्डर,
15 पहले वो लेके चला जाता है, 5 छोड़ देता है, फिर 5 जब आता है स्कैन करने के लिए तब एक आध पीस का इधर उधर हो जाता है, मतलब एक आध पीस कम पड़ जाता है। अब ये इशू मेरे साथ 3 दिन से हो रहा था कि मेरे प्रोडक्ट पूरा पैकेजिंग पूरे 20 के 20 पूरे करेक्ट है, मैं गिन के पैक करता हूँ, बट फिर भी माल कम पड़ रहा है। 2 दिन से एक एक पैकेट कम हो रहा था और कल हुआ 2 पैकेट कम। तो और बट मैं पैकेट करता हूँ, गिन गिन के बिल्कुल पैक करता हूँ कितने पैक हो गए कितने रह गए, तो मेरे काउंटिंग में तो बिल्कुल करेक्ट था बट उनके हिसाब से कम हो जाता है एक आध पैकेट। तो ये इशू आता है जब वो स्कैन करते हैं या फिर रात को जो मेल आता है, जितना भी वो स्कैन करते हैं जितना नहीं स्कैन होता तो रात को हमेशा मेल आता है। तो मेरे पास मैंने मेल अपना चेक करा तो मेल में था 2, उन्होंने स्कैन नहीं करा, 2 पैकेट मेरे गायब हो गए। तो ये इशू आ सकता है सबके साथ, मेरे साथ आया, मैंने तो देख लिया सॉल्व कर लिया। अब क्या है, मैंने इसका सॉल्यूशन क्या है, सारी बात यह प्रॉब्लम तो ठीक समझ में आ गई, सॉल्यूशन ये है जो आपकी टाइमिंग है, अगर 12 से 2 टाइमिंग है आपकी पिकअप की या फिर 1 से 3 टाइमिंग है पिकअप की या फिर 4 से 6 टाइमिंग है पिकअप की, तो जो पिकअप की टाइमिंग है सिर्फ उसी टाइम में पिकअप दो अगर आपको प्रोडक्ट अपना सेफ करना है तो। अगर ज़्यादा अगर ट्रस्ट है पिकअप वाले पे, भरोसा ज़्यादा है तो आप दे सकते हो। मुझे भरोसा था, मैं दिया, लेकिन मेरे पैकेट गायब हुए एक एक करके, एक पैकेट भी नुकसान होता है, एक पैकेट चाहे गायब हो चाहे 2 पैकेट गायब हो, मेरे पैकेट गायब हुए, मैंने समझा क्या इशू आ रहा है। तो मैंने आज पैकेट 12 से 2 के बीच में नहीं दिया, जो टाइमिंग 4 से 6 की टाइमिंग है मैंने 4 से 6 में दिया और मेरे सारे पैकेट आज स्कैन हुए। आज मैंने टाइमिंग से जो टाइमिंग है करेक्ट उस टाइमिंग पे मैंने पिकअप दिया तो मेरे सारे पैकेट स्कैन हो गए, मेरे सामने स्कैन हो गए और सारे पैकेट पैनल से हट गए। तो ये इशू है, सॉल्यूशन ये है कि जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आप अपना हैंडओवर दो, पिकअप वाले को दो, अगर ज़्यादा ट्रस्ट है विश्वास ज़्यादा है तो आप दे सकते हो बाकी अपनी गारंटी में। तो यही था प्रॉब्लम मेरा, लेकिन आज से मेरा सॉल्यूशन हो चुका है इसका, तो बस यही शेयर करना था। फिलहाल सारा काम मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ घर पे, भूख लग रही है और अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है उससे अभी हो रहा है, थोड़ा मूड ऑफ ही है, बट ब्लॉग कंटिन्यू करना ही है। तो जो भी है कंटेंट तो ऐसा आज था नहीं, कुछ भी जो भी मेरा टारगेट था सिर्फ इतना दिखा दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।